अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मोनोवेल का मोड इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो मोनोवेल की गेम प्ले की वीडियो तो यार मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन इंस्टॉल करना मैं आज सिखाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की फ़ाइल आपके सामने आएगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, इस फोल्डर को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये पहले वाला फोल्डर में फिर इसी के द्वारा अंदर जाएँ, और बल्कि इसी को कॉपी करके GTA 5 मेन फोल्डर के अंदर आएँ, जहाँ पे आपकी गेम सेव होती है उस फाइल फोल्डर को खोलें। तो ऊपर बोर्ड्स वाला फोल्डर है, फिर अपडेट X64 DLC पैक्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। जो फाइल मैंने पहले से किया हुआ तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो बस क्रॉस कर देना है आपने इसको, और दोबारा फोल्डर को ओपन करें, और नीचे रीड मी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक फाइल है, तो इधर आपको दिख रहा होगा एक लाइन होगी आइटम लिस्ट इस तरह की, उसमें मोनोवेल भी लिखा है। तो हाँ ये वाली लाइन, इसको आपने कॉपी कर लेना है, आइटम DLC लिस्ट मोनोवेल, इसको आपने शुरू से आखिर तक तो कॉपी करके ओपन आईवी को ओपन कर लेना है। तो एडिट मोड ऑन कर लेते हैं, यस। उसके बाद GTA 5 के मोड्स में अपडेट X64 अपडेट और RPF कॉमन डाटा, और उसके हिसाब से नीचे आखिर में होगा DLC.XML, तो इसको आपने एडिट करना है राइट क्लिक करके, और लास्ट में जो लाइन आपने कॉपी की थी उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये पेस्ट हो चुकी है, अब इसको आपने सेव लाजमी करना है। सेव नहीं करेंगे तो आपकी जो मोनोवेल है वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेव करके अब बाकी सारा काम ख़त्म हो गया, तो आप सब कुछ आपने क्रॉस कर देना है। और अब चेक करते हैं कि गेम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है मोनोवेल या नहीं, तो चलिए गेम को चलाता हूँ। तो गाइस गेम मैंने ऑन कर ली है, और F8 दबा के अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेते हैं। मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लिया, उसके बाद व्हीकल ऑप्शंस, और उसके बाद नीचे व्हीकल स्पॉनर, और सबसे नीचे ऑप्शन होता है इनपुट व्हीकल का। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है MONO, मोनो व्हील के नीचे लिखा भी आ रहा है मोनो व्हील, और एंटर कर देना। तो गाइस देख सकते हैं अब मोनो व्हील आ चुका है। ओए होए यार, इसकी लुक बहुत फिट लगती है यार, बिल्कुल टायर की तरह। बाकी इसका रेड और बल्कि ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यार बहुत फिट है। इसके आप साउंड चेक करें, और डिज़ाइन इसका यार मुझे बहुत फिट लगता है, और काफ़ी यूनिक बाइक है यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना यार। लाइक कमेंट नहीं करते आप, कमेंट ज़्यादा किया करें, और मुझे बताया करें कौन सा मोड मैं आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मोड अच्छा लगा होगा, इसको लाजमी ट्राई करें, और मुझे कोई मसला होता तो बताएँ। लाइक कमेंट शेयर।